और अब बात राजस्थान की, जहां जयपुर में आमागण किले पर झंडा फहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने इस मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। किरोड़ीलाल मीणा ने रोक के बावजूद पहाड़ी पर मीणा समाज का सफेद झंडा फहराया था और इसके बाद पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आमागढ़ पहाड़ी पर पहले धर्म विशेष का झंडा था। कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने इस झंडे को यह कहकर फाड़ दिया था कि यह धर्मस्थल मीणा समाज का है। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने पहाड़ी पर किसी भी तरह का झंडा फहराने पर रोक लगाई थी। ये बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया था, आमागढ़ पहाड़ी पर उन्होंने झंडा फहराया था। और बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आमागढ़ किले के मामले में धर्म के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस को करारा जवाब देने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की गिरफ्तारी निंदनीय है। डॉक्टर मीणा को तुरंत रिहा किया जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। और मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए जयपुर से सीधा, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या है पूरी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, आमागढ़ का किला जिसका आपने जिक्र किया, एक बहुत ही छोटा सा स्थान है और उसी जगह पर एक धर्म विशेष जिसको कहा गया उसकी पूजा और इबादत चलती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले रामकेश मीणा जो विधायक निर्दलीय हैं, उन्होंने वहां पर लगे हुए ध्वज को फाड़ दिया और उसके बाद ये दावा किया कि ये जो स्थान है ये मीणा समाज का है तकरीबन 200-250 वर्षों से। इसके बाद हालात ऐसे बने आदर्श कि ये समझा गया कि राकेश मीणा और डॉक्टर किरोड़ी मीणा आमने सामने होंगे, टकराव के हालात होंगे, क्योंकि दोनों ने दावे किए थे कि वो अपने अपने समर्थकों के साथ मौके पर जाएंगे। और इसी को देखते हुए जयपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन कहानी एकदम उलट कर सामने आई और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद मीणा समाज का झंडा वहां फहराया है और उसके बाद रामकेश मीणा भी उन्हीं के पाले में आ गए और ये कहा गया कि ये मीणाओं का स्थान है और इस जगह पर मीणा समाज का ध्वज ही लगेगा। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी मीणा को जो उन्होंने वहां पर स्वयं गिरफ्तारी दी अपने समर्थकों के साथ, पुलिस उन्हें ले गई पूछताछ के लिए जयपुर के विद्याधर नगर थाने में और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने वहां पहुंच दिया डॉक्टर किरोड़ी मीणा की रिहाई को लेकर के। लेकिन आदर्श, ये पूरा का पूरा मामला अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा राजनीतिक ड्रामेबाजी से परिपूर्ण है और ऐसे में जब पुलिस प्रशासन ये तय कर चुका था कि किसी को वहां जाना नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी सुबह सुबह जल्दी अपने समर्थकों के साथ गए, ध्वज वहां पर उन्होंने फहराया और खुद ही वीडियो बना के जारी किया, उसके बाद गिरफ्तारी दी। रामकेश मीणा जिस तरह से पाला बदल करके आए, तो लगता है एक प्रकार से एक राजनीतिक ड्रामेबाजी को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि आमागढ़ के इलाके में बेवजह तनाव के हालात बन गए, भारी पुलिस को तैनात करना पड़ा। जी आदर्श, ABP News आपको रखे आगे।